आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं मेरे साथ बेबाक बात। कांग्रेस के युवा नेता, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विधायक कुणाल चौधरी जी हमारे साथ में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। कुणाल जी, ये बताइए कि इंजीनियरिंग कोई व्यक्ति करता है तो उसके दिमाग में ये होता है कि मैं कुछ चीज़ें खड़ी करूँगा, कुछ स्ट्रक्चर बनाऊँगा, कुछ सृजन करूँगा, और आप राजनीति में आ गए पढ़ाई करने के बाद। देखिए, एक योग संयोग भी आप जिसे कहें, और फिर एक व्यक्ति की अपनी एक रूपरेखा भी होती है। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तब भी एक बड़ा मुद्दा चलता था ग्रीन कार्ड पॉलिसी का, कि जिसे पिछली सरकार में चलती थी, फिर दूसरी सरकार ने उसे बंद कर दी थी। 2002-2003 की बात है लगभग, तो 2003 के बाद 4 से उस मुद्दे के ऊपर लड़ाई लड़ते हुए लोगों को जब लड़ा, और पहली बार ऐसा लगा जब 58 लाख रुपये उस ग्रीन कार्ड के दिलवाए 3-4 साल संघर्ष करने के बाद, तो लगा कि एक अपने लोगों के अधिकारों के लिए हमें बात करना चाहिए। और जब तक हम लोग बाहर से राजनीतिक लोगों को गाली दें या कुछ करें, उससे बेहतर होगा कि हमें राजनीति में घुस के। उज्जैन में आप पढ़ाई करते थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय स्टूडेंट्स के सामने कई सारे संकट खड़े होते थे, और तब ग्रीन कार्ड की लड़ाई इन्होंने लड़ी, और शायद वही पहला आंदोलन रहा जी का, और उससे बहुत लाभ हुआ लोगों को। बहुत लाभ हुआ, लगभग 58 लाख रुपए उस समय मिले थे। तब तो आप NSUI से भी नहीं जुड़े हुए? नहीं नहीं, मैं उस समय इंजीनियरिंग का एक संघर्ष मोर्चा बना रखा, हमारा संघर्ष मोर्चा बना रखा था, अलग तरीके से उस पर लड़ते थे, लगातार स्टूडेंट के हितों के लिए अपनी बात, अपने अधिकारों की। मूल भाव था कि कैसे हर व्यक्ति का जो मूल अधिकार है उस अधिकार को मिले। तब कभी ये सोचा था कि विधायक बन जाऊंगा, सदन में लोगों की समस्याओं को उठाऊंगा? नहीं यार, मैंने ये चीज़ कभी भी, मैं भविष्य के ऊपर नहीं सोचता, मैं वर्तमान में जीवन जीने की कोशिश करता हूँ, और जो चीज़ें आती हैं, और ईश्वर पे वादी व्यक्ति हो भरोसा भी रखता हूँ, तो जो आप वर्तमान में करते हैं और उन्हीं का परिलक्ष आपको आगे भविष्य में मिलता है। और लोगों ने उस सड़क के संघर्ष को आज सदन के अंदर पहुँचाने का काम किया, ये मैं जनता का भी धन्यवाद देता हूँ, आम लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ, जिनने उस सड़क के संघर्ष को अंदर पहुँचाया। ना तो कभी पहले कोई ऐसा विचार था, ना कहीं कोई ऐसी सोच थी, उस समय एक ये था कि बस अधिकारों के लिए अपनी बात करते रहो, अधिकारों के लिए लड़ते रहो। और जीवन में एक, जिसे कहूँगा कि बहुत बड़ा एक योग संयोग का भी खेल होता है, समय काल परिस्थिति के मुताबिक चीज़ें बनती गई। और आज एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, कांग्रेस में, यूथ कांग्रेस में जब अध्यक्ष बनते हैं तो पहले ही कहा जाता था कि जो युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वो कम से कम विधायक बनेगा और मंत्री बनेगा, पहले ऐसा था। बाद में ये परंपरा टूट गई थी, खत्म हो गई थी, आपके कारण दोबारा शुरू हो गई। नहीं, मैं ये तो एक योग है कि पहली बार कई सालों से ऐसा था कि लगातार जितने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहे और अध्यक्ष रहते चुनाव लड़े, वो पहला चुनाव हारे। मतलब कई सालों बाद ये ज़रूर हुआ कि मैं जब अध्यक्ष रहते चुनाव लड़ा विधानसभा का, तो पहली बार में विधानसभा के अंदर पहुंचने का मौका मिला। अब ये इसमें तो मुझे मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात भी रही, क्योंकि कई, जब मैं चुनाव लड़ने जाता जा रहा था तो कई लोग कहते थे कि भैया यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ये है कि जब भी पहला चुनाव लड़ता पहला वाला तो वो पहला वाला हारेगा, और रिपोर्ट ये वो, तो उस कारण से और मैंने मेहनत भी ज़्यादा करी उसी चक्कर में कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा भी वही हर्ष हो। और जनता ने साथ दिया, समर्थन दिया, और लगभग 14,000 वोटों से मैं जीत के आया। ऐसा क्यों हुआ कि जब विधानसभा चुनाव हुआ तो आप जीते, आपकी पार्टी जीती, कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन लोकसभा चुनाव हुआ तो सारी की सारी चीज़ें धूल धूल? कि लोकसभा चुनाव जो मैंने एनालिसिस मैंने खुद ने किया कि 2014 का एक चुनाव कांग्रेस के प्रति इन्होंने निराशा भरी थी, और एक आशा जगाई थी कि अच्छे दिन, काला धन और बड़ी बड़ी बातों का एक पुंज जगलाया था, और उसके ऊपर 2014 में ये आशा के ऊपर चुनाव जीते थे। पर 2019 का जो चुनाव रहा व्यक्तिवाद के ऊपर केंद्रित रहा, राष्ट्रवाद, मतलब जो मूल भाव के ऊपर चुनाव होना था कि भई हमने कोशिश करी कि मूल भाव पे ले जाए, कि आपने अच्छे दिन का कहा था, गैस की टंकी कम होने का कहा था, महंगाई का कम, एक भावनात्मक मुद्दों को ले जाके और जनता की भावनात्मक चीज़ों का उपयोग करके कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं चुनाव जीतने में सफल रहे। और जनता, सर्वोपरि जनता का जो निर्णय है, हम लोगों ने बात करी थी कि कैसे महंगाई के ऊपर जो बात थी, गैस की टंकी के ऊपर बात थी, जो अच्छे दिन की बात थी, कांग्रेस से भी इनकी बातें कम की, चौकीदार चोर है वो हावी हो गया, सारी जो आप मसले कह रहे हैं, दोनों तीनों मसले तो उठे हर चीज पे। एक आपको एक बड़ा घपला, जैसे हमारे ऊपर 2014 में आरोप लगा कि आपने 2G 3G और जिस तरह के आरोप, और आज जमीन से आसमान तक घोटाले की बात करी, एक निराशा हमारे खिलाफ दिखाई,
और आज वो सारे के लोग बरी हो गए। मतलब वहाँ पे कनी मोजी की बात करो, ए राजा की बात करो, सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कोई एक प्रोपोगंडा। तो जो मूल भाव था, एक रफेल एक बड़ा मुद्दा था जिसके ऊपर जनता का जेब का पैसा था, उस मुद्दे को भी साथ में, क्योंकि हमने हर बात करी, हमने घोटालों की भी बात करी, हमने जो मुद्दे पर इन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा था और कोशिश करी कि मूल भाव के ऊपर चुनाव ले जाओ, कि एक घृणा की तरफ जिस चुनाव को लेके जा रहे थे हम लोगों के अंदर, जो हमारा इस देश की चाहे सनातनता की परंपरा कह लो या इस देश का मूल भाव कह लो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला भाव कह लो, या जो हमारे सनातन धर्म कहते हैं ना कि धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भाव हो, हमने उस सद्भाव की बात करी पर घृणा। लेकिन ये चुनाव था, आपको लगा कि जब जुबान से शब्द निकले तो बिल्कुल गोलियों की तरह लगे, पर गालियां देना रह गया था, बाकी सब हो गया। बिल्कुल, मुझे बड़ा निराशा इस चुनाव में भी हुई कि कई जगह शब्दों की मर्यादा को जो तार तार भी किया गया और जिस प्रकार से दोनों दलों ने, मैं इसमें कांग्रेस दोषी है कि बीजेपी का, मैं जिसके मुंह में जो आया वो, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। कई बार मेरे से भी गलतियां होती है, हर व्यक्ति से गलतियां होती है, पर सही में चुनाव के अंदर जिस प्रकार की बात, भाषाओं का, जिस प्रकार की चीज़ों का, चाहे सेना का, मतलब पहले कभी चुनाव के अंदर सेना का उपयोग हो या दूसरी चीज़ों का उपयोग हो कभी नहीं होता था, आज किसी उसके पीछे, जैसे पहले कभी राम मंदिर के पीछे खड़े होना, कभी सेना के पीछे खड़े होना, जिन भाव के ऊपर चुनाव होना चाहिए लोकतांत्रिक। 71 में भी चुनाव हुआ तब भी सेना का उपयोग हुआ था, 71 की लड़ाई के बाद, मैं एक साल पहले चुनाव करा दिया था इंदिरा जी ने इसी कारण। देखिए 71 तो मैं उस समय पैदा ही नहीं हुआ था, मेरी पैदाइश 1982 की है, तो मुझे उस समय का इतना ना तो बहुत ज़्यादा मालूम है कि किस भाव में और किस जगह का उस समय का, पर आज के जो परिप्रेक्ष्य में बात करो, मैंने जितने पिछले चुनाव देखे कि चाहे मध्य प्रदेश का भी, जिससे जिस प्रकार से हम चुनाव जीते, हमें 4-6 महीने हुए लगातार आचार संहिता भी है, उसके बावजूद भी हमने जो कर सकते थे कि पेंशन हमने 600 कर दी, कर्जा माफी की, एक प्रोसेस बड़ी लंबी जिसमें 22 लाख का हो भी गया, बाकी कुछ बचे वो चल भी रहा है, हमने बेटियों की शादी की 51,000, मैंने 104 शादियां पहले कराई थी, कल हमारे यहाँ फिर 75 जोड़ों की शादी है जिनमें 51,000 बेटियों को मिल रहे, तो जो हो सकता था इन परिस्थितियों हमने करा। पर उम्मीद जनता की वो है कि आपका 3-5 साल का जो वचन पत्र है वो 3 महीने 6 महीने के अंदर पूरा होना चाहिए, और ये मुझे खुशी होती है कि भैया जनता जब अपने अधिकारों की बात करती है कि नहीं नहीं भैया आपने 1,000 बोली थी, 600 करी, हमने कहा भी 2-4 महीने बाद 1,000 भी करेंगे और हो सकता है आगे भी बढ़ा देते, नहीं भैया आज ही हमें चाहिए। तो ये मूल भाव हमारे प्रति इस चुनाव में एक खास चीज़, जब आप चुनाव लड़े थे विधानसभा का तो सत्तारूढ़ पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, उसकी तरफ से कैंपेन आया कि बस करो महाराज, लोगों ने उसको सिरे से नकार दिया। इस बार एक और कैंपेन आया कांग्रेस की तरफ से कि चौकीदार चोर है, लोगों ने उसको भी नकार दिया। अब हो सकता है, मतलब ये भी लगता है कि नेगेटिव कैंपेन जब होता है तो जनता का मिजाज बिगड़ जाता है। हाँ नहीं, ये भी अब आप मतलब अब जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है, जनता ने निर्णय दिया है तो जनता का निर्णय सर्वोपरि है, पर जो बात थी कि मूल भाव हमने हर मुद्दों पे, जैसे एक भ्रष्टाचार की बात, एक अच्छा भविष्य की एक बात, गरीबों के उत्थान की बात, किसानों के उत्थान की बात, जो हम कर सकते थे हमने करा। और आपकी बात मुझे बिल्कुल सत्य लगती है कि एक नेगेटिव कैंपेन को छोड़ के और पॉजिटिव, हमें और सुधार करेंगे, आप देखेंगे आगे के चुनाव में बेहतर परिणाम देश के अंदर आएंगे। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में लाइट एक बड़ा इशू बना हुआ है सर। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक जिस प्रकार से ड्रामे ढोल तमाशे की बात करती है, मतलब मैं खुद बड़े उसके साथ होशो हवास में और बड़ी जवाबदारी के साथ कह सकता हूँ, अगर जिस दिन बुदनी का रिकॉर्ड निकाल लिया जाएगा कि शिवराज जी के समय कितनी लाइट जाती थी और कितनी आज लाइट जाती है। आप उन्हीं के जिले से हैं शिवराज जी? मैं सीहोर जिले से हूँ, मैं खुद बहुत बेहतर तरीके से, आज भोपाल में 2016 में कितने घंटे लाइट जाती थी, कुछ तकनीकी खामियां, एक इतना बड़ा सिस्टम, हर बात के ऊपर अधिकारी कर्मचारी हर तरीके से मेहनत भी करते हैं, पर कुछ अगर कमियां और कुछ खराबी होती जो सिस्टम के अंदर, जैसे कहीं आंधी आई, कहीं तूफान आया, कुछ गिरे, जो पुरानी खरीदारी, क्योंकि पिछली बार अभी अटल ज्योति योजना के अंदर का जब पूरा सेपरेशन हुआ, मैंने मतलब मैं गाँव में इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ, तो जिस तरीके से ठेकेदारों के माध्यम से लूट सको तो लूट योजना कई जगह चली, कि खंभे कभी आड़े हो रहे हैं, कभी तिरछे हो रहे हैं, कभी मेंटेनेंस के नाम पे, जो पिछले 6 महीने से मेंटेनेंस होना था, मेंटेनेंस हर चीज़ मांगती है, उन मेंटेनेंसों में कभी बाकी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम कि बिजली लगातार जा रही है या कोई स्थिति इस तरह की बन रही है। एक चीज़ और बार बार कांग्रेस की तरफ से कही गई कि बीजेपी के लोग हैं, कुछ अफसर बीजेपी के हैं जो लाइट कट कर रहे हैं। देखिए कई लोग ऐसा संभव है कि अफसर किसी के साथ होते हों कभी? नहीं देखिए, होता तो अक्सर नहीं होते, पर फिर भी क्या होता है, कई लोगों की एक अपनी भावनाएं होती है
और जब आप एक कैंपेन बनाने की कोशिश करते हैं जबकि आपने बिजली ज़्यादा दी और उसके बाद भी एक कैंपेन बनाने की, तो कई बार दल जो रहते हैं वो कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसको सही करने के लिए अपने लोगों को बिठा के इस तरह की चीज़ें, एक ऑडियो भी आपने देखा होगा कि वायरल हुआ कि किस तरीके की बातों का एक ऑडियो भी वायरल हुआ, तो ये भी एक षड्यंत्र भी कि कुछ जगह पे अगर लगातार गई तो वहाँ षड्यंत्र के रूप में भी गया होगा। पर मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी ऑडियो जो आया था तो बड़ा बचकाना जैसा था। नहीं, यही स्थिति है, मतलब जिस तरह की स्थितियाँ देखने को मिलती है, जिस तरह की परिस्थितियाँ देखने को मिलती है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि बिजली पिछली बार से बेहतर बिजली मिल रही है, सस्ती बिजली मिल रही है। आज कैलाश जी ने बड़ा इंदौर में एक प्रदर्शन किया कि किसानों के लिए ट्रैक्टर रैली और ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जब इस प्रदेश में किसान के पेट पे लात पड़ी, छाती पे गोली पड़ी, उस टीकमगढ़ में नंगा करके किसान को मारा, तब कैलाश विजयवर्गीय जी सो रहे थे, इनकी सरकार में इतना अत्याचार हुआ। आज किसान का जब कर्जा माफ हो गया, उसकी पेंशन दुगनी हो गई, तो किस बात का इनको दर्द हो रहा है? क्या किसान का कर्जा माफ नहीं करना चाहिए था? जो ये अपने लोगों को बुला के किसान का विरोध कर रहे हैं, क्या इनको ये दर्द है कि किसान का कर्जा माफ हो गया इसलिए दर्द है? उस समय कहां थे जब किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारी उनकी सरकार ने? तब तो कैलाश जी अपने घर बैठे थे। बीजेपी की सरकार में जब मालवा के किसान सड़कों पर आए और जिस तरह से मंदसौर कांड के नाम से मशहूर हुआ सब जानते हैं। हम कुणाल चौधरी से बातचीत को जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। विभागवाद में आपका स्वागत है। मेरे साथ में कांग्रेस के युवा आक्रामक नेता कुणाल चौधरी समय है। एक बात बताइए कि आप सत्ता में, आपके छोटे भाई साहब पुलिस में हैं, कभी ऐसा नहीं लगा कि वो पढ़ के IPS हो गए और मैं राजनेता हूँ? तो पढ़ के, मैं भी पढ़ के ही नेता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा। लेकिन लोग अभी भी राजनीति को बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखते। देखिए, ये बाहर से बैठ के किसी भी सिस्टम को गाली देना है, किसी भी चीज़ को गाली, मैं खुद जब पढ़ाई करता था मैंने भाव के साथ ही मैं राजनीति में आया कि आप बाहर बैठ के बात करना या सिस्टम के अंदर मिल के आपको अगर कुछ खराबी है तो सिस्टम को सुधारने, और जब तक बेहतर लोग नहीं आएंगे, जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे, तब तक सिस्टम खराब रहेगा। ये बात शत प्रतिशत सत्य है कि हमेशा अच्छे लोगों ने राजनीति से दूरी बनाई, इस कारण राजनीति खराब हो गई। जो भी खराबी है वो अच्छे लोग जहाँ रहेंगे वो सिस्टम साफ रहेगा, और मुझे नहीं लगता कि आज बहुत ज़्यादा खराब सिस्टम, बहुत ज़्यादा राजनीति, हर व्यक्ति हर दल में कुछ खराबी भी होती है। मध्य प्रदेश की राजनीति तो मुझे लगता है कि जब हम बिहार से या उत्तर प्रदेश से तुलना करते हैं तो हमारी राजनीति, हमारे राजनेता, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम और राज्यों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। हाँ, बेहतर है। राजनीतिक दलों में अपनी सुचिता है लोगों के अंदर, आप यहाँ देखेंगे कमलनाथ जी का आप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, दिग्विजय सिंह जी भी एक इंजीनियर पढ़े लिखे, हर व्यक्ति यहाँ पे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से यहाँ पे है, और कहीं अभी भी। अब मुद्दे पे आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय की बात कर रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय जी किसानों को लेकर आंदोलन किया, उन्होंने, उनका ये कहना है कि जो 2 लाख किसानों का कर्जा माफ होने की बात थी, कि बात तो ये थी कि किसानों का सारा कर्जा माफ होगा, लेकिन 2 लाख पे सरकार ने कहा और वो 2 लाख भी माफ नहीं हुआ। देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ एक झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो से काम नहीं चलता है। मैं खुद उस दिन स्वयं मौजूद था जब माननीय कमलनाथ जी ने उस फाइल पे साइन करके कर्जा माफी का, पर लगभग 55 लाख किसानों का 50,000 करोड़ रुपये, वो भी एक अच्छे तरीके से नीचे पहुंचाना जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो, क्योंकि सोसाइटियों की ये जो चाह रहे थे कि एकदम हो जाए, तो जो सोसाइटियों ने गड़बड़ी है, लगभग 3,000 करोड़ की सोसाइटियों ने कि एक व्यक्ति के ऊपर 25,000 का कर्जा लिया, सोसाइटी ने उसके नाम का 2 लाख रुपए निकाल के 2 रुपए सैकड़े पे चलाते रहे, कई व्यक्ति मर गए उनके खाते चालू रहे, कई लोगों ने कर्जा नहीं लिया उनके नाम के कर्जे चलते रहे, तो जो घोटाले घपले सोसाइटियों में, एक एक व्यक्ति को हमने फॉर्म इसीलिए भरवाया कि किसान तय करेगा कि उसके ऊपर कर्जा कितना, हम बैंक के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, और जिस तरीके से बेहतर प्रबंधन के साथ कर्जा माफ हो सकता,
माननीय कमलनाथ जी ने उस कर्जे को जिस तरीके से करा, और 50,000 करोड़ रुपया 55 लाख किसानों तक पहुंचाने में। शिवराज सिंह जी भी यही करेंगे, कमलनाथ जी झूठ बोलने से आंकड़े ही आंकड़े हैं, बैंक के पास कोई पैसे ही नहीं पहुंचा है। देखिए अब ये इनके साथ हो सकती है प्रॉब्लम हो, कमलनाथ जी जहाँ से ये सोचना बंद करते हैं वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। स्पष्ट है कमलनाथ जी ने बैंकों से भी निगोशिएट करा कि जो उद्योगपतियों का कर्जा 50% माफ करते हो तो किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं होगा, 50% किसानों को भी सब। अगर देश का प्रदेश का पैसा भी बच रहा है और कर्जा भी माफ हो रहा है तो इसमें इनको समस्या क्या हो रही है। मतलब आज तक शिवराज जी के राज की मैं बात करूं तो किसान को इन्होंने जितनी यातनाएं दी, जितनी प्रताड़ना दी, जितनी गोलीबारी, उसके बाद आज ये किसान, ये इनको दुख ये है, दर्द ये है कि ये क्यों नहीं कर पाए। कांग्रेस ने आते ही कैसे कर्जा माफ कर दिया, ये क्यों नहीं कर पाए, ये बड़ा सवाल इनके बनता है। लेकिन शिवराज जी तो ये कहते हैं कि हम तो खेती को लाभ का धंधा बना दिया था और जो मुनाफा है वो दुगना हो जाए इस पे काम कर रहे थे। हाँ, लाभ का धंधा बनाया था कि जो 4800 रुपये कुंटल सोयाबीन मनमोहन सिंह जी के जमाने में बिकती थी वो 2200 रुपये कुंटल पे आ गई थी, जो लहसुन पिछली बार 150 रुपये कुंटल पे सड़क पे फेंकनी पड़ती थी जो 15,000 रुपये कुंटल पहुंच गई थी, वो लाभ का धंधा इनके घर में बना है सर। कि जो साधना भाभी 4 एकड़ में 90 लाख की फसल लेती थी, मैंने कई बार कहा, मैं उनके उस पर भी गया, मैंने कहा कि शिवराज जी अगर इतना अच्छा धंधा है आपका और सही में अगर 4 एकड़ में, तो मेरे पास 11 एकड़ जमीन का किसान हूँ मैं, मेरी 10 एकड़ की मुनाफा आप कमा लेना, 1 एकड़ का मुनाफा मुझे दे देना तो भी मंजूर है। अगर 4 एकड़ में 90 लाख का, ये कौन से काला धन इनके पास है जिसको ये सफ़ेद करने के लिए, बाकी किसी किसान का 4 एकड़ में 90 लाख की फसल क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं 40 लाख के अनार हो रहे, क्यों इनके बेटे का ही दूध जो हमारे बचपन हम दूध हमारे गांव का दूध जाता है 20 रुपये लीटर 22 रुपये लीटर, बहुत ज़्यादा चला जाएगा तो गाय का 25 रुपये लीटर, इनके बेटे ने क्या मालूम कौन सा एक नया दूध से दूध को धोने का धंधा हमें भी सिखा तो साहब कि हम भी धो दें तो वो 65 रुपये लीटर 70 रुपये लीटर बिकने का काम हो जाए। क्या सिर्फ घर के लिए धंधे रखना कि भैया अमित शाह जी का बेटा है तो उनके बेटे का 50,000 से 80 करोड़ रुपये 6 महीने के अंदर, हमें भी अगर इस तरीके के धंधे ये मध्य प्रदेश के नौजवानों को भी सिखा देते, मध्य प्रदेश के किसानों को भी सिखा देते तो हर व्यक्ति ये लाभ के धंधे का ही काम करता। आपके जमाने में किसानों खुद ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमने कोशिश इसकी करी, और कई जगह शिवराज जी के ही बयान थे कि अब भैया खेती करना लाभ का काम नहीं बचा, आप खेती को छोड़ दो। प्रहलाद पटेल इस बात को लगातार कहते थे, लगातार कहते थे और लगातार इस बातों को क्या खेती को उन्नति करके तरक्की करके किस तरीके से यहाँ पे काम हो। इन्वेस्टर समिट्स के नाम पे हमने देख लिया 100-100 करोड़ की इन्वेस्टर समिट होती थी और 100-100 करोड़ रुपए जनता के खर्च होते थे और 1 रुपए का इन्वेस्टर समिट तो दिग्विजय सिंह जी के समय भी ऐसी ही होती थी और मुझे लगता है कि शिवराज जी के समय भी वैसे ही, बाबूलाल गौर साहब के समय भी और कमलनाथ जी भी वही करने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी जितनी अभी मुझे लगा कि मिंटो हॉल में जो हुई थी आपने देखा होगा पूरे मैंने ऐसी पिछले 20 साल में मध्य प्रदेश में कई सारी इन्वेस्टर समिट देखी और जब इनके नतीजे आते हैं मुख्यमंत्री बदल जाता है और नतीजे फिर सिफर के सिफर रह जाते हैं। अगर एक भी इन्वेस्टर समिट सफल हुई होती तो 10 20 25 ऐसे बेरोजगारों को मैं जानता होता जिनके बाल अभी तक सफ़ेद नहीं हुए होते। मैं आप सही कह रहा हूँ, पिछली बारों की सरकारों का यही था, अभी जो सरकार है माननीय कमलनाथ जी ने एक इन्वेस्टर समिट कर भी ली ना तो उसका ढोल पीटा ना ढिंडोरा पीटा, इस पर सूप से मिंटो हॉल में एक लंच पे बैठ के डिनर लंच के साथ उनके उसी मिंटो हॉल के अंदर बेहतर रूप से 1-to-1 टॉक हुई, 1-to-1 बात हुई और आप देखेंगे कि प्रदेश के अंदर जितने जैसे कमलनाथ जी आप फ्लाइट की स्थितियों से समझ सकते हैं, इस भोपाल में जहाँ 2 या 4 फ्लाइट चलती थी कि सुबह 2 दिल्ली जाने के लिए शाम को 2 आने के लिए मुंबई से कहीं, आज हर जगह की फ्लाइट शुरू हो गई, हर जगह बिजनेसमैन आना शुरू हो गया और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जिस तरह का बिजनेसमैनों का रुख मध्य प्रदेश की ओर करने का काम किया, उस दावोस की मीटिंग के लिए लगातार पिछले 5-7 साल से शिवराज जी कोशिश कर रहे थे कि कैसे दावोस की उस इकोनॉमिकल फोरम की मीट में बुलाया जाए, जैसे ही कमलनाथ जी बने वहां से उनको बुलाया गया और कमलनाथ जी का 4 साल तो मेहनत शिवराज जी ने नहीं मेहनत करी इनको लिया गया, नहीं सिर्फ मेहनत शिवराज जी ने बनाया, उद्घाटन ने कर दिया, नहीं बुलाया नहीं गया, इनको बुलाया नहीं जा रहा था, लगातार 4-6 साल से कोशिश कर रहे थे। एक व्यक्तित्व होता है, एक व्यक्ति के ऊपर भरोसा होता है, वल्लभ भवन की भी बात है, मैंने कहा मैं उस समय था, आपने बहुत अच्छी बात कही, वल्लभ भवन का मैं खुद उस दिन कमलनाथ जी ने शपथ ली, उनके साथ योग सहयोग से मैं भी वल्लभ भवन पहुंचा और उनने कैंची से फेता काटा और अंदर बैठ गया, मैंने कहा आपने साहब 10 करोड़ रुपए आज बचा दी, बोले कैसे, मैंने कहा शिवराज जी 6 महीने से ढूंढ रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी आ जाए या अमित शाह जी आ जाए ताकि मैं इसका 5-10 करोड़ रुपए का एक प्रोग्राम करूं, वो उनने बोला कि भैया अगर मैं बनाता इसको तो इतने बड़े की जरूरत भी नहीं थी कि 850 करोड़ रुपए लगाने की, और कम में काम हो जाता जितने लोगों के लिए जनता का पैसा,
ये सिर्फ ढिंढोरा नहीं, तो पीटना। जनता के पैसे को तो कमलनाथ जी भी बर्बाद कर रहे हैं, वो जिस तरह से सीएम हाउस में निर्माण करवा रहे हैं वो भी कोई अच्छी बात नहीं देखिए है, एक आप समझिए, सीएम वो भी हाउस का अच्छी बात नहीं, वो सीएम सफिशियंट हाउस था का सीएम हाउस। नहीं, सीएम हाउस का निर्माण कई 15 सालों से जो काम, देखिए आप अगर अगर सिक्योरिटी पर्पज से अगर एक मुख्यमंत्री इनसे ज्यादा सिक्योरिटी वाला उसमें ऑलरेडी रह रहा था, उस सीएम हाउस में इतने काम की आवश्यकता ही नहीं थी कि लाखों नहीं, करोड़ों रुपए मुझे लगाए जाए। ये कोई बहुत लाखों करोड़ों इसमें नहीं, ऐसे ही पैसा जाता है नहीं, ना। बहुत आज आज मुख्यमंत्री कर रहा है, फिर मंत्री करेंगे, फिर विधायक करेंगे, फिर सब कुछ चाहिए जनता के पैसे की, तो राजनेता इसी तरह बर्बादी करते हैं, यही तो सवाल है। सवाल इस बात शिवराज का बहुत बुरे थे तो फिर कमलनाथ जी भी उतने ही बुरे हैं। सवाल इस बात का है, क्या एक सिक्योर प्लेस पे रहना, मतलब जहाँ पे पीडब्ल्यूडी अगर कह रही है कि इसके ऊपर वो है, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत ठीक रिनोवेशन होना, और उसके बजाय यहाँ पे 10 करोड़ फीता काटने के लिए कि अगर आपने कोई भी प्रोग्राम होगा, क्यों 6 महीने से बना हुआ वल्लभ भवन था वहाँ पे, क्यों उसका उद्घाटन नहीं हो पा रहा था, क्यों कमलनाथ जी ने आते ही एक कैंची से उसको काटने का काम कर दिया। जिस भी लोग तो ये कह रहे थे कमलनाथ जी ने इसलिए कर दिया, उनको भरोसा नहीं था कि कब पद से हट जाएंगे। अब ये तो लोगों का कहना, ये तो बीजेपी ये 3 बार मुंह की खा चुके हैं, लगातार अध्यक्ष के चुनाव में खा चुके हैं, उपाध्यक्ष के चुनाव में खा चुके हैं, रोज इधर उधर की बात करते हैं, ना तो इन्हें जनता के मुद्दों से कोई सरोकार है, ना कोई जनता के मुद्दों से इन्हें बात करना, सिर्फ इधर उधर की बात करना। क्यों नहीं आके ये कहते कि जो 250 रुपये पेंशन कांग्रेस पार्टी छोड़ के गई थी 15 साल में, 300 रुपये से ज़्यादा नहीं करी थी, 600 रुपये करी, उस पर आके बात करनी थी कि ये बेहतर काम हुआ, आके बात करनी थी कि भैया पहली बार किसी सरकार ने 50,000 के 3 चुनाव जीत गए, 50,000 का कर्जा माफ़ करेंगे, 50,000 का करेंगे, 1 रुपया माफ़ नहीं करा, कमलनाथ जी ने करा, आके खड़े होना चाहिए था। बेटियों पे बात बहुत करते थे, और जितनी नकली चांदी नकली बर्तन मिला करते थे बेटियों की शादी में, कई बेटियां मिला करती थी कि भैया ये तो ऐसे टूटे हुए बर्तन मिले हैं, 25-26 हज़ार में से आधे रुपए का घोटाला ये करते थे, कमलनाथ जी ने आते सीधे बेटी के खाते में नकद कर दिए, तो वो इनको बुरा लगने लगा कि अभी अखातीज पे शादियां थी, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे कंप्लेंट करी चुनाव आयोग में कि अखातीज पे देंगे तो ये वोट खरीदेंगे। हमने क्या पहले के चुनावों के समय हमने रुकवाया, कि हमने कभी नहीं रुकवाया कि बेटी के गरीब की बेटी की शादी हो रही है, अगर उसे 12,000 भी दे रहे थे, अगर उतने भी नकद मिल रहे तो क्या उसमें कोई नुकसान है? आज अगर 48,000 रुपये बेटियों को मिल जाते तो क्या उससे मेरे समस्या? आज सिर्फ झूठ बोलो, हमने 200 रुपये की बिजली 100 रुपये पे कर दी। और कह रहे हैं कि सरकार तो अब हम चाहे जब गिरा देते, हम गिराना नहीं चाहते हैं, और ये सरकार अपने आप गिर जाएगी और कांग्रेस विधायक इसको गिराएंगे। देखिए मुझे लगता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई रोक नहीं सकता। अब ये सिर्फ अपने कार्यकर्ता, इनके कार्यकर्ताओं से भीड़ इकट्ठी नहीं होती, इनका कार्यकर्ता लोगों से कनेक्टिविटी नहीं। शिवराज जी ने घोषणा करी थी पहले दिन, आपको याद होगा हारे थे, कि मैं अब धन्यवाद सभाएं निकालूंगा, आभार सभा निकालूंगा। मैंने उस दिन चैलेंज किया था कि शिवराज जी में अगर दम हो तो पहली निकाल के देख ले, अगर 25-50 लोगों से ज़्यादा इन्हें मिल जाए, जो पहले स्कूलों की भीड़ बुलवा लेते दिया करते थे, आंगनबाड़ियों के कार्यकर्ताओं को बुलवा लेते थे, जो सिस्टम से भीड़ बुलवाते थे, आज जाके देख ले, इनको समझ में आ जाएगी कि इनके साथ कितने लोग खड़े हैं। आप देखें एक भी विधानसभा में आभार सभाएं शिवराज जी नहीं निकाल पाए, अपने घर जाके बैठने का काम हो गया, कि पहले कह रहे थे कि मैं पूरी विधानसभा में जाऊं। तो सिर्फ ये जो सिस्टम है कि कैसे अपने कार्यकर्ता का मोरल हायर करें, पहले कह रहे थे ये लोकसभा चुनाव में बस दो वोट, दो सरकार का वोट है, इसके बाद हो जाएगा, ये रोज इन बातों को छोड़ के प्रदेश के मुद्दों पे बात करें, जनता के हित के ऊपर बात करें, जनता के साथ खड़े होकर बात करें, लोकतंत्र में जो अच्छा हुआ उसके लिए बात करें, कि आपके राज्य में 150 रुपये कुंटल लहसुन हो गई थी, आज 6-7-8 हज़ार रुपये कुंटल बिक्री, तो आके बात करें बेहतर। आप जब सारे विधायक बैठते हैं मुख्यमंत्री जी के साथ में, तो कहीं ऐसा कुछ मंत्री को कहा गया था कि 4-4, 5-5 विधायकों का ख्याल रखें, दाएं बाएं ना हो जाए, खतरा बना रहता है ऐसा? नहीं, ये नहीं, ये है कि स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि कोई भी अगर काम हो कि जिसे लगता है कि भैया कि 4-5 विधायक के प्रभारी मंत्री वहाँ के, तो कोई भी लगातार काम, किसी भी जनता के काम को नहीं छूटना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि मुख्यमंत्री जी कहीं व्यवस्था में कहीं हो तो कोई और भी, तो जो भी हो कि सब मंत्री विधायकों, क्योंकि जनता से चुना हुआ जनप्रतिनिधि आया है और जनता के साथ ध्यान रखना कि इनकी कोई जनता की समस्या हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तो उसके ऊपर बेहतर तरीके से फोकस होके, ये पहली सरकार है जिसमें विधायकों को इतना मान सम्मान, मुझे लगता है बीजेपी के विधायकों से पूछता हूं तो पता पड़ता है कि मुख्यमंत्री तो छोड़ो मंत्री नहीं सुना करते थे, आज जितना विधायक, क्योंकि यहाँ पे सब एक बात बताइए, इतना सब कुछ बढ़िया है, खूब सारी घोषणाएं पूरी सब हुई, फिर ऐसा क्या रहा कि 29 में से मात्र एक सीट सिर्फ नकुल नाथ की जीत पाए, सिर्फ एक सीट? इस बार इतनी बुरी स्थितियां तो नहीं थी? नहीं, स्थितियां इतनी बुरी थी, इस बार का जो चुनाव हुआ मुझे लगा कि देश में एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म में हुआ, जो दिखाने में करने में ये मैंने दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति हार जाएं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हार जाएं, अरुण यादव चुनाव हार जाएं, अजय सिंह चुनाव हार जाएं, जितने दिग्गज हैं सारे के सारे धराशायी।
कि मैंने आपको बताया पहला चुनाव 2014 का आशा और निराशा पैदल लड़ा था। 2018 में एक भी भाषण वो बता देना जो इन्होंने कहा हो कि हमने 5 साल में ये किया और अगले 5 साल ये करेंगे। सिर्फ चुनाव किस पे लगा? घृणा, डर, व्यक्तिवाद के ऊपर इन्होंने चुनाव को, और ये सफल रहे चाहे सोशल मीडिया से रहो चाहे मीडिया जिस भी तरीके से ये अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करने में सफल रहे कि ये इन्होंने चुनाव को मूल भाव से, जैसे पहले एक बार राम मंदिर के पीछे खड़े हुए थे, इस बार सेना के पीछे जाके खड़ा होने का काम करा, और व्यक्तिवाद के ऊपर कि भैया हमें मूल भाव से एक सवाल और, रोजगार के लिए क्या करेंगे? रोजगार के लिए लगातार हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो हमारी सोच है कि पूरे जितने खाली पद हैं पहले इनको भरे जाए, फिर कई कृषि आधारित संरचना के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, इसके ऊपर कृषि के ऊपर, क्योंकि मूल भाव से मध्य प्रदेश कृषि की हर जगह मौसम वैज्ञानिकों के रूप में कृषकों के साथ वहाँ पे, फिर गांव में गांव के बेटों को कैसे नौकरी मिले, और उस तरीका का पंचायती सिस्टम हम डेवलप करके जो मनरेगा के माध्यम से, जो कई माध्यमों से हमने बीच में कई रोजगार की पॉलिसियाँ जैसे MPWL की हुई थी और कई तरह की अलग अलग कर्मियों को हमने भर्ती करके मनमोहन सिंह जी की सरकार करा था, आज वो करीब करीब सब लुप्त होने लगे। तो यही प्रदेश सरकार का एजेंडा है कि कैसे गाँव के लोगों को गांव में नौकरी दी जाए, शहर के लोगों को शहर के अंदर नौकरियां दी जाए, और रोजगार का अधिकार, भोजन का अधिकार, और इसके साथ सारे अधिकारों को और पानी के अधिकार की भी इसके ऊपर बात चल रही है। कुणाल, आप स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत आभार। आप देख रहे थे कि कुणाल चौधरी बहुत आक्रामक हैं और हम ये उम्मीद करेंगे कि सदन के भीतर अब भी ये जनता के मुद्दों को उसी तरह उठाएंगे जैसे विपक्ष में रहते हुए उठाते थे। नमस्कार। देख रहे हैं दखल न्यूज़।